work as an artist. So I felt like जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है वाई शुड नॉट आई गो फॉर दैट रादर देन वेस्टिंग द टाइम ऑन समथिंग दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। साउथ कश्मीर के पाम्पोर की रहने वाली अस्मा मीर का ख्वाब कुछ नया कुछ अलग करने का था और फिर उन्होंने वो काम करने की सोची जिसमें वो सबसे बेहतर थी और वो काम था डिजिटल आर्ट। और अभी आई एम वर्किंग एज अ डिजिटल आर्टिस्ट। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आई गॉट बेटर विद प्रैक्टिस। तो आई स्टार्ट पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया। तो ये जो है मैंने 2019 में बनाया है दिसंबर में फ्रॉम यूट्यूब ट्यूटोरियल्स आई लर्न लाइक हाउ आई कैसे मैं बना सकती हूँ। तो ये कुछ स्केचेस है मैंने स्टार्टिंग जो की थी स्केचेस से की है। मैं अपने स्केचेस वगैरह विद द हेल्प ऑफ सम पेंस पेंसिल्स स्टार्टिंग देन बेटर होती गई। डिजिटल आर्ट ये ना ये पोर्ट्रेट से ये मैंने आईपैड से ही बनाई है। आई सेल मैं अपने सोशल मीडिया से ही सेल करती हूँ डिजिटली फाइल। अगर इंटरनेशनल आर्टिस्ट है जे जस उनको मैं ईमेल कर देती हूँ जो भी उनके आर्टवर्क्स वगैरह होते हैं। मैं अपनी लिविंग जो है इसी सारे मतलब अपने खर्चे अपने एक्सपेंसेस आई लाइक मैं उन्हीं सारे कमीशन से अपने खर्चे एक्सपेंसेस वगैरह मेरे कंप्लीट होते हैं। मैं लोकली भी सेल करती हूँ कश्मीर में कैलीग्राफीज या पोर्ट्रेट्स होती है या इलस्ट्रेशंस होती है। पीपल मैसेज मी कंटेक्ट मी एंड फिर कमीशन करते हैं एंड आई डिलीवर माय दिस पीस ऑफ वर्क्स टू देम। अस्मा मीर को 10 साल की उम्र से ही स्केचिंग और ड्राइंग का शौक था। धीरे धीरे उन्होंने अपने हुनर को साधा और 19 साल की उम्र में ही अपने पैशन को ना सिर्फ रोजगार का जरिया बनाया बल्कि नाम भी कमाया। पेज है इंस्टाग्राम पे इलस्ट्रेशंस पे अस्मा। मैं अपने सारे वर्क्स जो भी कमीशन वगैरह होते हैं इस पर पोस्ट करती हूँ। लाइक रिसेंटली द फीफा वर्ल्ड कप जो जीता था अर्जेंटीना ना मैंने फिर उसका मैसी का ये पोर्ट्रेट बनाया था एट दैट टाइम। अभी जो आर्ट है दैट्स स्टिल अ ग्रोइंग स्कोप इन कश्मीर रादर देन इंटरनेशनल। अस्मा मीर की इस बेहतरीन आर्ट से चाहे तो आप ही रूबरू हो सकते हैं। हौसला अफजाई भी करें और दिल करे तो खरीदे भी। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक सब्सक्राइब और फॉलो।